दिल्ली सरकार के मंत्री स्थानीय विधायक सत्येंद्र जैन ने शकूर बस्ती के आनंद विहार सोसाइटी में आज पानी की नई पाइपलाइन बिछाने के कार्य का उद्घाटन किया। मंत्री सत्येंद्र जैन ने जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आरके जायसवाल को बताया कि यहां के पुराने और क्षतिग्रस्त पाइपों को बदलकर नई पाइपलाइन लगाई जाएगी, जिससे इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी। इस कार्य को 180 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नई दिल्ली से आरके जायसवाल की रिपोर्ट। तू मानता है सीट बेल्ट लगा रखी है? मैंने वैक्सीन लगा रखी है, मास्क नहीं लगाऊंगा। तो टक्का मार रहे ना, वो कहता अच्छा मैं देता हूं, कोरोना आ जाएगा। तो कोरोना से खुद भी बचना है, अपने परिवार को बचाना है और अपने समाज को भी बचाना है। ये ध्यान रखिएगा, अगर इसमें थोड़ा सा भी रिलैक्स करेंगे, छोटा करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। बहुत लोगों की डेथ हुई है सिर्फ कोरोना के अंदर। बहुत लोगों को होने के बाद महीनों तक डिप्रेशन है, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो महीनों चलती रहती है। उनको लगता है कि मेरी तबियत खराब है, पता है कि कोरोना बात इसलिए खराब है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और वैसे तो आपके यहाँ पर काफी अच्छा है, मिलजुल के रहते हैं सभी लोग, तो बढ़िया रहेगा। पानी के बारे में बता दूं आपको, आपसे मैंने इलेक्शन से पहले दो वादे किए थे। एक, यमुना नदी साफ कर देंगे। गुप्ता जी को विश्वास नहीं था, साफ कर दूंगा अभी भी कर रहा हूं। और दूसरा, पानी की समस्या दिल्ली में खत्म। दोनों पे काम कर रहे हैं। देखो, डेढ़ साल बर्बाद हो गया कोरोना की वजह से, डेढ़ साल में कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को 5 साल का टाइम मांगा था, ये दोनों काम 5 साल में करेंगे। अब आपसे कह रहा हूं 3.5 साल बचे, 3.5 नहीं कर दूंगा। ये दो काम ऐसे हैं दुनिया के अंदर जिससे भी कहो विश्वास नहीं होगा कि हो सकते हैं। यमुना क्लीनिंग का जहां 10,000 करोड़ का काम था ना, आप तो चलो तो लेट हो गए, उनको भी जाना है, आपको डिटेल में बताऊंगा। जो काम 10,000 करोड़ में नहीं हो रहा था, उतना काम मैं 1,000 करोड़ से कम में करा हूं। और पानी कहते हैं पानी है नहीं, पानी है नहीं, हमने अपशन और बल्ला के आतंक में जगह जगह जा रहा लेक बनवा रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से पानी साफ करके लेक बना रहे हैं, लेक से पानी जमीन में जाएगा, उसको बोरिंग करके निकालेंगे साफ करके, फिर उसको ट्रीट करके आप रहे हैं। तो सारे काम पे लगे हुए हैं कि दोनों चीजें हम आपको करके देंगे, बस सहयोग की जरूरत है। आप अपने सहयोग बनाए रखना और इसको आने वाले 3.5 साल के अंदर ही जो काम हम कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय सर, यहाँ पे क्या धन्यवाद, आज आनंद विहार के अंदर 47 लाख रुपए की लागत से यहाँ की पाइपलाइन को सारी को चेंज किया जा रहा है। पाइपलाइन 40 साल पुरानी थी, वो खराब हो चुकी थी। यहाँ के निवासियों की बहुत बड़ी डिमांड थी कि लाइनें खराब हो चुकी हैं, ठीक किया जाए। तो सारी लाइनें चेंज की जा रही है, साथ ही उनको रिस्टोर, सड़कें जो टूटेंगी उनको रिस्टोर भी किया जाएगा। प्रोजेक्ट का टाइम 6 महीने का है, जो 6 महीने का समय है उसको हम 3 महीने में कोशिश करेंगे पूरा कर। तीसरी लहर को लेकर सर काफी चिंता व्यक्त की जा रही है सर। देखिएगा, तीसरी लहर के दिल्ली सरकार पूरी तैयारी कर रही है, साथ ही साथ लोगों को, जनता को आग्रह कर रही है कि सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, प्रोटोकॉल्स का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।